तरफ जहां बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सब्जियां भी अपने तेवर दिखाने लगी हैं, जिससे आम जन की जेब पर असर पड़ रहा है। बरसाती मौसम की वजह से सब्जियों के दाम अब 2 गुने हो चले हैं। ग्राहक सब्जी खरीदते समय हिचकिचा रहे हैं। पहले टमाटर 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अब टमाटर 2 गुना होकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और प्याज लगभग 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेता का कहना है कि बरसात का मौसम होने के कारण प्याज व टमाटर को स्टॉक करके रखा जाता है, यही कारण है कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि हर सब्जी के दाम 2 गुने हो चले हैं। उनका कहना है कि दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है, ग्राहक सामान खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। हर 10 दिन पहले जैसे मौसम साफ था, टमाटर 30 रुपए किलो हो गया, तो मौसम खराब होने के कारण टमाटर अब 60 रुपए किलो हो गए हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है और इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और आगे आगे मौसम अब देखो क्या होता है। महंगाई की वजह तो देखो जी, आजकल ये काला बाजारी चल रही है, पीछे स्टॉक कर देते हैं, गोदामों में रखवा देते हैं, इसके कारण काला बाजारी ज्यादा है। ग्राहकों का कहना है कि गरीब से गरीब आदमी की जरूरत आलू प्याज टमाटर है। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, महंगाई आसमान छू रही है, आमजन की जेब पर असर पड़ रहा है। सब्जी के दाम 2 गुने हो गए हैं। 60 रुपए प्रति पाव के हिसाब से मटर बिक रही है। महंगाई का जिस तरह से हर आदमी परेशान है, और बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे चाहे आलू प्याज टमाटर हैं, जो रोज़मर्रा की हर मेरे गरीब से गरीब आदमी की भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सरकार पता नहीं क्यों आंखें मूंदी बैठी है। इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए, इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। आज देखो प्याज कितना महंगा हो गया है, टमाटर देखो 60 रुपये किलो हो गया है, आलू का भाव देख लो, मटर का भाव देख लो, 60 रुपये पहिया है मटर। अगर सरकार चाहे तो इनमें गरीब आदमी को इन चीज़ें से राहत दे सकती है, लेकिन इस तरफ आंखें मूंदी हुई है। बड़ी हैरानी की बात है, आप सभी सब्जियों के भाव पूछ के देखें, आसमान छूते जा रहे हैं, गरीब आदमी को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ग्राहकों का कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आम आदमी भी रोजमर्रा की सब्जियों को खरीद सके। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।